झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की एमआरआई मशीन एक बार फिर से खराब हो गई। 14 दिन से जांच नहीं हो रही है। मशीन के अंदर 3 माह में चौथी बार दिक्कत आई। 3 माह से जांच कराने के लिए भटक रहे मरीज अब अपने बिल के रुपए वापस मांग रहे हैं। मरीजों का गुस्सा देख कॉलेज प्रबंधन ने रुपए लौटाने शुरू कर दिए। मेडिकल कॉलेज में करीब 14 साल पहले 3 टेस्ला एमआरआई मशीन लगाई गई थी जो अब कंदम हालत में हैं और कई पार्ट डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल एसी नहीं चल रही, इससे मशीन गर्म होकर अपने आप बंद हो रही है। दिक्कत ज़्यादा होने पर 24 अगस्त को जांच का बंद कर दी गई थी। मेडिकल कॉलेज में बहुत ही रियायती दरों में एमआरआई जांच होती है। यहाँ 2000 रुपये प्रति पार्ट जाँच होती है, जबकि यहाँ जाँच बाहर कराने पर 4000 से 8000 रुपये तक लग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज की मशीन खराब होने के कारण बाहर वालों की चांदी हो रही है। आपको बता दें, पूछ के बाद सिंह साहब बताते हैं कि मेरी सास राम देवी यादव के चेस्ट में काफ़ी दिन से दर्द है। 2 जून को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने एमआरआई जांच लिखी। जांच के लिए 2000 रुपये का बिल काटा। नंबर 28 जून को मिला। 26 दिन बाद पहुंचे तो मशीन खराब थी। ऐसे ही 6 बार जाँच के लिए आ चुके हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण जाँच नहीं हो पाई। ये जाँच बाहर 4500 रुपये में हो रही थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज में कराना चाहते थे। 6 बार आने जाने में 1500 रुपये खर्च हो गए, इसलिए अब बिल को 2000 रुपये वापस ले लिए, बाहर से जांच कराएंगे। मेडिकल कॉलेज की CMS डॉक्टर सचिन माहौर का कहना है कि हमारी मशीन बार बार खराब हो रही है, अब हम मशीन को एक्सचेंज करना चाहते हैं। एक कंपनी से बात चल रही है, कंपनी के जरिए जल्द ही नई मशीन मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।